सोनार बंगला के लिए मोदी जी एक डिक्लेरेशन देगा, वो हम सुनने के लिए तैयार है। अच्छा, और क्या क्या? मनीष शुक्ला मरे, मनीष शुक्ला ममता बनर्जी की संप्रदायिकता नहीं चलेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता बनर्जी की जितना जय श्री राम आपको इसी से पता चल जाएगा। हम लोग मोदी जी से ही सुनना चाहते हैं कि हम लोग बंगाल को सोनार बांग्ला बना के रहेंगे। हम लोग जिस तरह से देश में मोदी जी ने परिवर्तन लाया है, हम लोग अत्याचारी अत्याचारी ममता को सरकार को मोदी जी से सोनार बांग्ला बनाने के लिए और इसीलिए पूरे जोश से वो लोग अभी निकल पड़े हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तरफ। और मैं दिखाना चाहूंगी कि कितनी भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं, घर के मर्द ही नहीं, औरत भी बाहर निकल आई है। वो लोग भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, मोदी जी का नारा लगा रहे हैं। तो कोलकाता की तमाम सड़कों से इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है ब्रिगेड मैदान की ओर रुख कर रहे हैं। मैत्री हमारी सहयोगी कोलकाता से ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जिन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि अभी ब्रिगेड मैदान की ओर लोग जो है वो जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। इस वक्त दो तस्वीरें हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे किस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां हैं। एक तरफ ब्रिगेड मैदान की ओर लोग कूच कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं पीएम मोदी की रैली को सुनने के लिए। पीएम क्या कहते हैं उस पर खासतौर पर लोगों का ध्यान है। दूसरी तरफ अमित शाह आज दक्षिण में कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे जीत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के पहले क्या तैयारियां कोलकाता में हैं, क्योंकि अभूतपूर्व ये रैली होगी। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसी रैली कभी नहीं हुई जो आज ब्रिगेड मैदान में जनसभा हो रही है, ये बीजेपी का दावा है। और उस अभूतपूर्व रैली का जो दावा बीजेपी कर रही है उसकी अभूतपूर्व तैयारियों का जायजा मेरे सहयोगी ले रहे हैं। मैत्री हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैत्री, यही तस्वीर कमोबेश हर तरफ नजर आ रही है, जो सड़कों पर आप तस्वीरें पहुंचा रही है हमारे दर्शकों तक। लोग जो है ब्रिगेड मैदान की ओर रुख कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं पीएम मोदी को। जी बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं हम लोग मेयो रोड पे है और यहाँ पे एक भारी मात्रा में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जय श्री राम, मोदी जी का नारा लगाते हुए वो लोग आ रहे हैं और यहाँ से जो अंदर जा रहे हैं सभी नारा लगा रहे हैं मोदी जी के नाम पे। मोदी जी से क्या सुनना चाहते हैं दादा? हाँ बोलिए। मोदी जी से क्या सुनना चाहते हैं, क्या अपेक्षा लेके आपके बच्चे को साथ लेके? हाँ, जनता के साथ लेके। मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है, जो प्रकल्प है, वो देख के मैं आते हूँ। कितने बजे निकले हैं, कितने सुबह सुबह निकले हैं और उनको देने ये जो भी
पश्चिम बंगला करछे 200 উপরে আসন নিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের সরকার করছি। ये सब यहाँ पे चाह रहे हैं कि बीजेपी का एक सरकार हो, बीजेपी की सरकार के जो अपेक्षा है इसी के लिए ये सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे। आप एक बार बताइए कि यहाँ पे मोदी जी से और ये ब्रिगेड रैली से इतनी बड़ी रैली, कितने लोग आए हैं यहाँ पे, क्या ये बंगाल का मन यहाँ पे ही भरा जा सकता है, क्या लग रहा है आप? देखिए, टीएमसी सरकार जब रैली या फिर कुछ भी करता है तो लोगों को बोलते हैं कि हम लोग सरकार में हैं, तुम आओ तुमको घर दिला देंगे, तुम आओ तुमको नौकरी दिला देंगे। ये जो लोग आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये किसी नौकरी या किसी के लिए नहीं आए, ये आए हैं सोनार बांगला के लिए। मोदी जी ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में खो दिया है, इसीलिए